एफएम में हम आए हैं एक मोमो का जो अनिमा जी चलाती है, उनके बारे में आगे और जानेंगे। बट इससे पहले हम उनकी लोकेशन के बारे में आपको बता देते हैं। तो लोकेशन ऐसा है कि अगर आप इस तरफ देखें, जो देख रहे हैं ओवर ब्रिज है, ये है एसटीए ओवर ब्रिज। इस ओवर ब्रिज से अगर आप नीचे उतरेंगे और राइट साइड की तरफ जब मुड़ेंगे तो स्टॉल आपको फर्स्ट में ही दिया जाएगा। ये रहा उनका स्टॉल जो कि अनिमा जी चलाती है, जिनका जो पार्ट का नाम हुआ है हाउस ऑफ मोमोज। एंड ओवर ब्रिज के ठीक आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे, ये है मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल। ये रौकला गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। और थोड़ा सा और आगे अगर इसी रास्ते में आप अगर उस तरफ से आ रहे हैं रिंग रोड की तरफ से, तो वो है हाईटेक मेडिकल। लोकेशन ढूंढने में आपको मुश्किल नहीं होगी, मैं इसका गूगल लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आप इस रास्ते में थोड़ा और आगे जाएंगे तो ये रास्ता जाता है सिविल टाउनशिप में। तो चलिए अनिमा जी से बात करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पनीर मोमो आ गया है और इसमें आपको 5 पीसेस है हाफ प्लेट में। ये धनिया चटनी है, ये मिर्ची का है और ये बादाम चटनी है। तो चलिए देखते हैं आप टेस्ट कैसा है। चटनी का जो तीखापन है वो भी अच्छा खासा स्पाइसी है। आई मीन ठंडे के सीज़न में आप लोग इसको ज़रूर पसंद करेंगे। मोमो काफ़ी बढ़िया है, पीसेस सही है, स्टफिंग सही है, चटनी जो है उनके फ्लेवर बहुत उमदा किस्म के हैं। इसमें आपको तीखी चटनी मिल रही है, मिर्च की धनिया चटनी है और बादाम चटनी है। तो लॉकडाउन में काफ़ी लोगों के जो दिनचर्या के जो काम थे वो मतलब काफ़ी इम्पैक्ट करा है उनके ऊपर। और इट्स वेरी टफ, उन्होंने अपना जो दुकान स्टार्ट किया फिर से, तो ऐसे में मतलब उनकी लाइवलीहुड को आसान करने के लिए हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट ऐसे में ये नहीं कि आप उनको मॉनिटरी करें या उनके अकाउंट में पैसे देते, इंस्टेड ऑफ दैट आप कोशिश करें कि उनको आप यहाँ स्टॉल में आके खाएँ और पैक करवा के ले जाएँ।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि हमें इससे प्रोत्साहन मिलेगा, हम मतलब और अच्छा काम कर सकें। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग का ये चिकन मोमोज का भी प्लेट आ गया है और इसमें भी आपको वही 5 पीसेस मिलेंगे। मोमोज की जो बाइंडिंग है काफ़ी सही लग रही है और अगर इसकी स्टफिंग आपको दिखाएं, स्टफिंग भी इसमें भर भर के की गई है, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब जो आप पैसा दे रहे हैं उस पर आपको क्वांटिटी में या फ्लेवर में ऐसा कुछ कम मिलेगा। ये काफ़ी उम्दा है, आई मीन फ्लेवर्स तो हम इसको बाइट ले लेते हैं, बट स्टफिंग फिलिंग सही लग रहा है। कहीं से खुला है ऐसा कुछ नहीं है, सही है। और धनिया चटनी, बादाम की चटनी और जो तीखी चटनी है, ये तीनों का जो मिश्रण है बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। आई मीन ठंडे के सीज़न में अगर ऐसा ब्रेड मोमोज आपको मिल जाए तो वो सही में बेहतरीन है। और तीखी चटनी का तो ऐसा कहें कि मतलब ठंडे में आपको गर्मी का एहसास एकदम खुल के दिला देगी। चलिए अपना दूसरा पीस देते हैं। और ये बैठ हम ले रहे हैं थोड़ी सी धनिया चटनी और तीखी चटनी के साथ में। तो दोस्तों हम प्लेट ख़त्म कर रहे हैं और प्लेट ख़त्म करने के बाद फिर आपसे आगे बात करते हैं। ख़त्म और सही में पनीर मोमो और चिकन मोमो खा के बहुत मज़ा आया। सबसे पहले अगर मैं इनकी मतलब जो स्पेशलिटी है वो बताऊँ तो मोमोज की बाइंडिंग बहुत ही सही थी, उसके अंदर मैं जो फिलिंग भर भर के किया हुआ था, टेस्ट एक नंबर। उसके बाद जो तीखी चटनी, हरी चटनी और बादाम चटनी, इनके फ्लेवर अलग अलग थे लेकिन बहुत ही उमदा थी। जो पैसा इसके लिए दे रहे हैं वो पूरा पैसा वसूल है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप अगर आउटर से ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे आएँ और ज़रूर खाएं और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको यहाँ का टेस्ट कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी तक आपने जो वीडियो यहाँ पर देखी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।